तो बेसिकली 1 CR के आसपास आपको 2.5 BHK मिल जाएगा, और अराउंड 1.5 CR से 1.7 CR के आसपास में आपको डिपेंडिंग अपॉन योर साइज 3.5 BHK मिल जाएगा। एंटालिया हिल्स जो है वो आपको अगर अभी आप लेते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 2.5 साल के आसपास में आपको मिल जाएगा। अभी दोबारा बज में यह आया है, और दोबारा बज में क्यों आया है, क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि M3M का प्लान है इसको टोटली सोल्ड आउट करने का। तो मैं आ जाता हूँ बिना वक्त जाया करे मास्टर स्ट्रोक 1। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम आपके लिए एक बड़ा अलग सा एक वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ वाला वीडियो है। ये लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए हम बिल्कुल अर्जेंटली ये वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं हूँ इस वक्त 77 गैलरी में, M3M की 77 गैलरी यानी कि सेक्टर 77 वाली गैलरी में, जहां आप आजकल सुन रहे होंगे बहुत भीड़ लग रही है। वो भीड़ का रीज़न है गल्फ स्टेट टू जो इतना मैं कहता हूँ ना, जो उड़ के बिका है, वो उड़ के बिकने की वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है। लेकिन आज की भीड़ का रीज़न गल्फ स्टेट टू नहीं था, आज की भीड़ का रीज़न था एंटालिया हिल्स। एंटालिया हिल्स के लिए पहले तो हम माजरत ख्वाह हैं कि हम आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो एंटालिया हिल्स का नहीं ला पाए, हमें थोड़ा सा वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन एंटालिया हिल्स का मेन जो क्रेज़ शुरू हुआ था वो जब बिग बिलियन सेल हुई थी जनवरी में, तो उस टाइम पे एंटालिया हिल सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बिका था, मतलब बहुत ज़्यादा बिका था, बिकॉज ऑफ इट्स पेमेंट प्लान, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जो था इसका 595 वाला पेमेंट प्लान, उसकी वजह से बहुत बिका था। अभी भी वो पेमेंट प्लान के ऊपर हम आएंगे, आप क्या क्या नए पेमेंट प्लान है। तो बेसिकली आप सोच रहे हो एकदम से आप एंटालिया हिल्स क्यों आप वीडियो लेके आए अचानक, तो थंबनेल में आपने थोड़ा सा पढ़ा ही होगा कि क्यों लेके आए, बिकॉज ऑफ द मास्टर स्ट्रोक, अगेन मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम M3M। M3M देखिए जाना जाता है अपनी स्कीम्स के लिए, अपने मास्टर स्ट्रोक्स के लिए। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा बताऊं अंदर की बात भी, कि बाकी डेवलपर्स जो हैं वो जब ऐसा होता है कि थोड़ा सा कोई इंसान उनसे M3M के अलावा जो डेवलपर्स हैं उनसे अगर मांगता है, कोई डिस्काउंट मांगता है, कोई स्कीम मांगता है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई आपको डिस्काउंट और स्कीम चाहिए तो आप M3M जाइए। तो इस तरह से बोलते हैं लोग, क्योंकि सबको पता है कि M3M में इतने ज़बरदस्त डिस्काउंट्स और इतने ज़बरदस्त स्कीम्स लगातार आती रहती हैं, है ना। उसकी वजह से M3M बहुत फेमस है, एंड अगेन ब्रांड वैल्यू की वजह से, अपनी स्पीड की वजह से, अपने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देता है, जो एमिनिटीज़ और जिस प्राइस पॉइंट पे दे रहा है हर अलग अलग प्रोजेक्ट में, तो वो काबिल तारीफ़ है। जाहिर सी बात है M3M बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अभी ये वीडियो एंटालिया हिल्स के लिए ही है, एंटालिया हिल्स के ऊपर है और मास्टर स्ट्रोक जो आए हैं उसके ऊपर है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिन लोगों को एंटालिया हिल्स के बारे में नहीं पता है, मेरे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो अभी पूछने लगे हैं एंटालिया हिल्स के बारे में, और इंडियन व्यूअर्स भी हमारे जो हैं वो भी पूछने लगे हैं। क्यों पूछने लगे हैं? क्योंकि गल्फ स्टेट टू के आने के बाद लोगों को थोड़ा सा, अभी मतलब मैं सही बताऊँ तो एंटालिया हिल्स की जो सेल है वो थोड़ी जितनी जनवरी में थी उतनी फिर फरवरी में थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई। तो मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सेल बहुत ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी सी हल्की पड़ती है। लेकिन फिर से एंटालिया हिल्स इसलिए उठा है क्योंकि जब से गल्फ स्टेट टू लॉन्च हुआ है तब से लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये सेक्टर 79 जो है ये बहुत ही अल्टीमेट सेक्टर निकल के आने वाला है। क्योंकि गल्फ स्टेट टू, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था, मुझे भी देखिए मैं सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा था कि कहीं सेक्टर 79 ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ एक लो राइज वाला सेगमेंट या अफोर्डेबल वाला सेगमेंट ना बन के रह जाए। लेकिन गल्फ स्टेट टू ने गेम चेंज कर दिया, एंड अगेन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आप जब कॉल मुझे करेंगे तो मैं बताऊंगा। और भी आगे भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं सेक्टर 79 में, जो कि बहुत आला तरीन प्रोजेक्ट्स होंगे और बहुत ही हाई क्लास के प्रोजेक्ट्स होंगे। इस वजह से सेक्टर 79 बहुत अच्छा एक सेक्टर निकल के आ रहा है। तो लोगों को अब गल्फ स्टेट टू जब बिका इतने ज़्यादा, मतलब 2 दिन में 1 to 11 टावर्स इसके बिक गए, फिर 17-18 टावर निकाला गया वो भी बिक गया, उसके बाद फिर 20-21 टावर निकाले गए, 8999 से रेट जो है इस वक्त अराउंड 11,000 से ऊपर चल रहा है, मतलब सिर्फ एक हफ्ते में। तो ये जब चीज़ें हुई तो उसके बाद लोगों को समझ में आया यार एंटालिया हिल्स हम लोग ने क्यों नहीं कंसिडर करा, और लोगों को वैल्यू समझ में आई एंटालिया हिल्स की। तो बेसिकली एंटालिया हिल्स जो है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ जल्दी से कि क्या है। लो राइज प्रोजेक्ट है और स्टिल्ट प्लस 1, 2, 3, 4 फ्लोर्स हैं, जिसमें आपको मतलब खूबसूरती आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही होगी, आप फसाड देखें एंटालिया हिल्स का क्या है और किस तरह से खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत एक सोसाइटी ये बन के आने वाली है, एक खूबसूरत सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। आप लोग जो लोग शहर के अंदर रहते हुए भी आप हिल्स का व्यू लेना चाहते हैं, जो लगता है कि भाई मैं हिल्स मुझे बहुत पसंद है, मैं एक इन द लैप ऑफ नेचर रहूं, उनके लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो अब इसमें क्या मिलता है आपको, 2.5 BHK और 3.5 BHK मिलता है। साइजेस 2.5 BHK की जो है 2.5 अराउंड 1171 और 1200 समथिंग का साइज है, जब आप कॉल करेंगे मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगा। और 3.5 BHK 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के आसपास में, अलग अलग टाइप्स हैं उसके, अलग अलग साइजेस हैं, वो 3.5 BHK आ जाता है। अब बेसिकली इसका प्राइस पॉइंट जो है
इसकी यूएसपी है। प्राइस पॉइंट क्या है, प्राइस पॉइंट जो रहा है वो है इसका 2.5 की अगर हम लोग बात करें तो प्राइस पॉइंट है अराउंड 1 CR। 1 CR का मतलब हो गया कि 1 CR से नीचे नहीं, 1 CR से थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हैं। कितना है एग्जैक्टली कितना है वो ऑब्वियसली ऑन कॉल ही डिस्कस हो सकता है। इधर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, एंड इधर आपको #M3MAntalya दिख रहा होगा। तो आप अगर #M3MAntalya मेरा व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप एंटालिया में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, तब वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली 1 CR के आसपास आपको 2.5 BHK मिल जाएगा, और अराउंड 1.5 CR से 1.7 CR के आसपास में आपको डिपेंडिंग अपॉन योर साइज 3.5 BHK मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या है, क्या सारी चीज़ें वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। और बेसिकली पोजिशन इसका जो आ रहा है वो लो राइज में देखिए, जैसे अगर देखा जाए तो 2-2.5 साल में बनके तैयार हो जाता है, एंड अगेन माइवन कंस्ट्रक्शन तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मतलब 4-5 साल नहीं लगेंगे इसको। जैसे गोल्फ स्टेट 2 को तैयार होने में 4 साल लगेंगे, हाई राइज है ऑब्वियसली, 30 फ्लोर्स हैं। एंटालिया हिल्स जो है वो आपको अगर अभी आप लेते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 2.5 साल के आसपास में आपको मिल जाएगा। अब बेसिकली इसमें है क्या चीज़, अभी दोबारा बज़ में यह आया है, और दोबारा बज़ में क्यों आया है, क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि M3M का प्लान है इसको टोटली सोल्ड आउट करने का, क्योंकि अभी अच्छी यूनिट्स कुछ हैं अवेलेबल हैं, लेकिन गोल्फ स्टेट के आने के बाद एंटालिया की भी यूनिट्स बहुत तेज़ फिर से निकली हैं, बहुत तेज़ फिर से बिकी हैं। तो अभी बेसिकली ये जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने लॉन्च करे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मास्टर स्ट्रोक के ऊपर आ जाते हैं कि क्या है। बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि 9999 का रेट चल रहा है एंटालिया का, मतलब आज से पहले तक चल रहा था, तो आज क्या रेट हो गया, आज से क्या रेट हो गया है ना, वो रेट और क्या मास्टर स्ट्रोक्स हैं, क्या नए पेमेंट प्लान्स आए हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और ये प्लान जो M3M का है वो यही है कि भाई एंटालिया इस वक्त पूरा सोल्ड आउट करने का प्लान है, क्योंकि जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक निकाला है इन्होंने वो मास्टर स्ट्रोक भैया काबिल तारीफ है। तो मैं आ जाता हूँ बिना वक्त ज़ाया करे, मास्टर स्ट्रोक 1 तो करेंट प्राइस जो है वो है 9999, ठीक है, और नया प्राइस क्या है गेस कर सकते हैं आप, नया प्राइस जो है दैट इज 8999, मतलब 1000 रुपये का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट अब मिल रहा है, प्राइस नीचे आ गए हैं इसके, यानी कि आप सेव कर सकते हैं 16,45,000 रुपये। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जिन लोग ने 8999 पे लिया, मतलब सॉरी 9999 पे लिया, उसका उनको तो नुकसान है, ये तो गलत बात हो गई है, M3M ने गलत बात कर दी एकदम, ये तो M3M शैतानी कर रहा है, ये तो M3M का रवैया ठीक नहीं है। तो वो ऐसा नहीं है, जब मैं अभी ये बताऊं, अभी मैं जब अपने एक व्यूअर के साथ वो आए हुए थे, मैं बैठा हुआ था, तो अभी M3M इज़ फेमस, मैंने बताया ना M3M इज़ फेमस फॉर इट्स स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स। तो तब भी अभी कुछ दिन पहले नवरात्रा वाला डिस्काउंट चल रहा था, तो अल्टीमेटली कुछ 600 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट, फिर एक दो कुछ और डिस्काउंट थे वो लग के भी अच्छी खासी वैल्यू थोड़ी सी, मतलब जैसे 9999 है तो 9400 के आसपास की वैल्यू आ जाती थी। तो कभी थोड़ा सा कोई अलग डिस्काउंट तरह के होते हैं, कोई अलग तरह के डिस्काउंट होते हैं, तो कुछ डिस्काउंट होते हैं, कुछ मास्टर स्ट्रोक होते हैं। इस वक्त मास्टर स्ट्रोक आया हुआ है, तो ये आपके लिए लेना इस वक्त बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मैं बताऊँगा आगे इसके ऊपर और बताऊँगा क्यों फ़ायदेमंद है और क्या क्या करना चाहिए आपको। तो ये पहले हो गया 9999 का रेट था, 8999 का हो गया है आपसे, और 16 अभी अगर लेते हैं तो 16,45,000 रुपये के आसपास आप बचा सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक 2 के ऊपर आते हैं, इनका पेमेंट प्लान है, तो मास्टर स्ट्रोक 2 जो है इनका नया पेमेंट प्लान है, वो नया पेमेंट प्लान क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा खवातीनों हजरात। तो आपने 30% दिया, इनका पेमेंट प्लान है 30-10-60, यानी 30 आपको अभी 30% अभी देना है, 10% एट द टाइम ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, फिर 60% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। 30% आपने अभी दिया अगर, तो आपकी एक कार पार्किंग फ्री हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि 6,00,000 रुपये की कार पार्किंग होती है, वो 6,00,000 रुपये की कार पार्किंग फ्री हो जाएगी, यानी कि पर स्क्वायर फीट रेट में अगर हम लोग देखें तो 360 रुपये आपके कम हो गए, ठीक है। अब आपने अगला 10% दिया तो आपके क्लब चार्जेस, यानी कि 6,00,000 रुपये के जो क्लब चार्जेस होते हैं वो आपके डिडक्ट हो गए, कम हो गए, यानी कि अगेन आपने 360 रुपये फिर बचा लिए। अब आपने जब आखिरी 60% दिया तो आपकी जो PLC लगेगी, PLC ऑब्वियसली इसमें देखिए, हाँ ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं, इसी की से बात निकल आई, इसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं एंटालिया में, जैसे पाइन, मैपल, पाम, एबनी है ना, सो हर ब्लॉक के अलग अलग खसूसियात हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप पार्क फेसिंग लेते हैं, क्लब फेसिंग लेते हैं, या अरावली फेसिंग लेते हैं, हर तरह से अलग अलग PLC लगती है। तो आपकी PLC जो है अगर आप 60% देंगे जब, तो PLC आपकी आधी हो जाएगी, यानी कि 500 रुपये PLC है जो 250 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल आपने कितना बचा लिया, 970 रुपये इस प्लान में। तो बेसिकली क्या है, प्राइस जो हो गया 8999, और अगर आप 30-30-30-10-60 प्लान लेते हैं, 30-30-40 मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मैं क्राउन ज़्यादा करता हूँ दौर के एक्सप्रेस में, मैं इसीलिए माजरत ख्वाह हूँ कि मैं एंटालिया का वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था, क्योंकि एंटालिया पड़ता है सेक्टर 79 में, विच इज़
वेरी क्लोज टू NH8 एंड इसकी लोकेशन जो इसका है वो चाम है, क्योंकि लोकेशन NH8 के पास बहुत करीब है। फिर एक रोड इसकी जा रही है जो डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है SPR से, SPR के थ्रू, CPR के थ्रू द्वारका एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट कर रही है और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से भी कनेक्ट कर रही है। तो इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मैं सेक्टर 79 फोकस नहीं कर पाया, लेकिन आपने मेरा रिसेंटली गोल्फ स्टेट 2 का वाला वीडियो देखा होगा। तो अब सेक्टर 79 भी ऐसा सेक्टर बन गया है कि भाई जो वर्थ मेकिंग अ वीडियो है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो बेसिकली आपको पहला मास्टर स्ट्रोक समझ में आ गया, दूसरा मास्टर स्ट्रोक समझ में आ गया, तो बेसिकली दोनों। और हाँ, एक पेमेंट प्लान जो है 595 वाला वो स्टिल एग्जिस्ट, 595 वाला पेमेंट प्लान है वो अभी भी है इनका। उसके बारे में कई लोग की क्वेरी आती है, भैया 595 में क्या है, क्या क्लॉजेस हमें समझ में आना चाहिए। मैंने एक वीडियो में अपने बोल दिया था कि भाई 595 वाला जो पेमेंट प्लान है उसको बहुत ही अंदर से समझिएगा, बहुत ही सारे क्लॉज समझिएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब आप आते हैं यहाँ पे मेरे साथ बैठते हैं, तो जो लोन वाला भी होता है, बंदा होता है, जब आपकी कोई क्वेरी होती है तो लोन वाले बंदे को भी मैं साथ में बैठाता हूँ, कोशिश करता हूँ, या तो फिर ऑन कॉल बात करा देता हूँ, तो अकबर ये 595 वाला और 1090 वाला पेमेंट प्लान जो है ये भी क्लियर हो जाता है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और है आप लोग के लिए, वो आप लोग जो कहते हैं कि भाई हम लोग को इंडियंस को मुफ्त के गिफ्ट जो होते हैं बड़े पसंद होते हैं, कि मुफ्त के जो तोहफे होते हैं, तो तोहफे भी आपको जो मिल सकते हैं वो ये है, iPhone 14 Pro, 20 ग्राम्स गोल्ड, इंटरनेशनल ट्रिप वाउचर्स और 65 इंच का LED TV, ठीक है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है। अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। बेसिकली देखिए M3M Antalya, अभी देखिए कोई भागा दौड़ी वाली बात नहीं है, समझने वाली बात यह है कि M3M जो है वो ग्रुप, वो कुछ ना कोई ऑफर लाता रहता है। आप अगर ये सोचें कि भैया इसने ऐसा मास्टर स्ट्रोक ला दिया है अब तो भैया ले लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑफर जाएगा, दूसरा ऑफर आ जाएगा, है ना, ऑफर की दिक्कत नहीं है M3M के पास। फाइट यहाँ पे पता है क्या आएगी, फाइट आएगी यहाँ पे यूनिट की, क्योंकि अब ये ऑफर इतना अच्छा मास्टर स्ट्रोक इन्होंने निकाल दिया, तो सारे लोग जाहिर से बात भर्रा मार के आ जाएंगे और सब अच्छे अच्छे यूनिट्स ले जाएंगे। तो आप अगर इनैक्ट नहीं करते हैं और आप अगले ऑफर का वेट करते हैं तो आपके हाथ में अच्छी यूनिट नहीं आएगी, पीछे की यूनिट आएगी, या जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपके पसंद की यूनिट होती है, जब आप आके बैठेंगे तो आपको आपकी प्रेफर्ड यूनिट नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छी यूनिट होती हैं जल्दी निकल जाती हैं, ये ऑफर की वजह से ये चीज़ होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऑफर के पीछे भागिए, ऑफर के पीछे मत भागिए, ये ऑफर जाएगा दूसरा ऑफर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये मास्टर स्ट्रोक इस तरह का आता है तो बेसिकली क्या होता है, आपको समझने वाली ये चीज़ है कि भाई यूनिट जो आपको मिल सकती है, जो आपके पसंद की यूनिट होगी, वो कोई और ले जाएगा, है ना। तो इस वजह से आप जल्दी कर सकते हैं और ऑफर M3M लाता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक लग रहा है कि इस मास्टर स्ट्रोक के बाद M3M का Antalya सोल्ड आउट हो जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत कम ही यूनिट्स बची हुई हैं, लेकिन अच्छी यूनिट्स बची हैं। तो 2.5 BHK या 3.5 BHK आपको लेना है तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। मेरे अभी मेरे जर्मनी में जो मेरे व्यूअर हैं वो भी पूछ रहे थे, मेरे US में जो व्यूअर हैं वो भी पूछ रहे थे, आप देख ही रहे होंगे जाहिर सी बात है। तो इंटरनेशनली भी M3M Antalya की बहुत ज़्यादा बज़ है, इंडियन मार्केट में तो है ही है, गुड़गांव में तो है ही है, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि मास्टर स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया, M3M Antalya हिल्स जो है लोराइज प्रोजेक्ट है, स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स, ऊपर छत आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपको ऊपर जो छत का पोर्शन जो है वो मिलेगा, वो भी छत का पोर्शन 25% आपका पोर्शन होगा, अगर आप पूरी छत ऑब्वियसली नहीं मिलेगी आपको, 4 फ्लोर्स हैं तो 4 का 25% बटा हुआ मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फ्लोर ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको यूनिट छत की भी अलॉट होगी। और नीचे आपको एक रूम मिलेगा एक्स्ट्रा, जो कि आप उसको कुछ भी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, आप जिम बना सकते हैं, आप होम ऑफिस बना सकते हैं, आप कोवर्किंग स्पेस, जैसा भी जो भी करना चाहें उस रूम के साथ बना सकते हैं, आप सर्वेंट क्वार्टर बना सकते हैं, जो भी चाहे बना सकते हैं। और 3.5 इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक स्टडी वाला एक पोर्शन इसमें दिया जाता है, तो वो ऑब्वियसली दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड 3.5। वो सॉफ्ट वॉल होती है, आप अगर चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। और पोजीशन इसका जो है वो 2.5 साल के आसपास में, आप 3 साल मान के चलिए, है ना। लेकिन M3M की खास बात ये है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप M3M को उठा के देख लिए, जब भी उसे पोजीशन का बोला है जो भी डेट, तो उसे 3-4-5 महीने पहले ही डिलीवर करा है। तो ये सीन है, जिनको जल्दी घर चाहिए, जिनको हु आर अ फैन ऑफ अ लो राइज प्रोजेक्ट, हु आर अ फैन ऑफ लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर, बींग इन द सिटी ऑफ गुड़गांव, और तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा फसाड है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी एमिनिटीज बोला जाता है, बोलते हैं ये 101 एमिनिटीज़ आपको दे रहे हैं, वो 101 एमिनिटीज़ अगर मैं वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जब आइए तो आपको सारी एमिनिटीज़, सारे पेमेंट प्लान, अगर सबवेंशन प्लान आप ले रहे हैं तो सबवेंशन प्लान में क्या आपको समझना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और 30, 10, 60 वाला पेमेंट प्लान है उसमें क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ समझेंगे। तो बेसिकली मेरी एक गुजारिश आपसे यही होगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और आपका बजट अराउंड 1 से लेके 1.5 1.7 CR तक है, आप बहुत ज़्यादा 2 CR
3CR तक नहीं जाना चाह रहे हैं, जो कि दोरका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 111 113 में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इस बजट रेंज में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है, अच्छी यूनिट मिल सकती है, आप सही टाइम में इनैक्ट करें। तो अब करना यह है कि इस नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट करें या फिर हैशटैग अंटारिया लिख के आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, तो मुझे पता चल जाएगा आप इंटरेस्टेड हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे। आप मुझे कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं किसी मीटिंग में हूँ, कहीं मसरूफ हूँ, तो मेरा टीममेट जो है आपका फ़ोन पिक करेगा, नहीं तो मैं ही हो सकता है कर लूँ। और अगर मैं जैसे ही मैं अपनी मीटिंग से फ्री होंगे मैं आपको कॉल बैक करूँगा तो बात हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये अंटारिया का एक लेटेस्ट अपडेट था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ठीक है, आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।